दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। मामला दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। ईडी ने इस मामले में अब तक 4 चार्जशीट दायर कर चुका है, जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाली है। सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स में ईडी के हवाले से कहा गया कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 14 फोन इस्तेमाल किए। इसमें 43 सिम कार्ड भी बदले गए, जिनमें महज 5 ही सिसोदिया के नाम पर थे। ईडी की जांच में यह पता चला है कि ये 14 फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमांडो क्लॉथ्स नाम की कंपनी ने खरीदे थे। ईडी के सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन LG के आदेश के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जाँच के दौरान बताया कि उन्हें नहीं पता कि नष्ट किया गया फ़ोन कहाँ है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।